तो हे गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको गिरो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस प्रकार से करोगे। सो आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बाकी गाइस, आज मैं आपको जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी एक ही टाइम पे अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस प्रकार से करोगे, सो आज मैं आपको फुल लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। बाकी गाइस, अगर आपको ग्रो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में SIP चालू करना है सो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। सो ये वाला वीडियो देख के आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। बाकी चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मोबाइल एंड वेबसाइट पे दोनों का सेम ही प्रोसेस रहता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता है। तो आप मोबाइल ऐप के जरिए भी जो भी मैं आपको जो वेबसाइट पे प्रोसेस बताऊंगा सो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हो। सो यहाँ पे गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो SIP वगैरह है सो 3 म्यूचुअल फंड में SIP चालू है। बाकी आज मैं आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ म्यूचुअल फंड लिए जो कि मैंने वॉच लिस्ट में कर लिया है, और उनका जो वॉच लिस्ट में मैंने बनाया सो गाइस उनको बहुत सारा एक एनालिसिस करके मैंने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है जो कि आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप भी उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपको खुद से रिसर्च करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हाई रिटर्न हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, और यहाँ पे SIP विद 500 रुपीज। सो ये सब अलग अलग कैटेगरी के आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो कि आपके अपने हिसाब से आप ले सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो इस पूरा आपको म्यूचुअल फंड का एक मिल जाता है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है सो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो बाकी चलिए गाइस, जो मेरा वॉच लिस्ट है सो मैं अपना वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा वॉच लिस्ट है सो इस वॉच लिस्ट में जितने भी मैंने ये म्यूचुअल फंड ऐड किए सबका मैंने कम से कम मुझे 1 से 2 दिन लग गया था एनालिसिस करने के लिए, तब जाके मैंने सबको मतलब अच्छी तरह से सिलेक्ट किया, उसके बाद ही यहाँ पे रखा हुआ है। जो कि हर कैटेगरी के यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया। सो गाइस मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब मिड कैप में करना चाहिए, और कब स्मॉल कैप में करना चाहिए। सो पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आज मैं आपको सिर्फ जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सो आप किस प्रकार से करोगे सो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे जो रिटर्न है देख सकते हो, यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर और NAV वैल्यू, सो यहाँ पे आप सब रिटर्न वगैरह देख सकते हो। जैसे अभी क्वांट स्मॉल कैप हो गया सो यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 ईयर में 57.6% का रिटर्न दिया हुआ है, और जो टाटा डिजिटल है सो इसने भी एक काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 48% का। और बाकी जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है सो इसका भी देख सकते हो यहाँ पे 51% का रिटर्न दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 3 ईयर का भी आप देख सकते हो। सो चलिए मैं यहाँ पे आपको जो अभी एक क्वांट स्मॉल कैप है सो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सिंपल मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आप पूरा इसका मतलब एनालिसिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 महीने में कितना डाउन आया है और यहाँ पे 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ में इसमें 1.39 और 1 मंथ का देखे हुए जो कि यहाँ पे देख सकते हो करीबन 10% 9.5% के करीब यहाँ पे माइनस में, जो कि एक अच्छा टाइम हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पे बाकी आप SIP भी चालू कर सकते हो जो कि है 1000 रुपीज, और यहाँ पे आपको और भी अच्छे से एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे वन टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 20,000 की तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके भी बताया हुआ है कि आपका एक साल के बाद इतना हो जाएगा अमाउंट जो कि यहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आप होल्डिंग भी देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो यहाँ पे आपको उनका एक्सपेंसेस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स वगैरह चेक कर लेना है। बट यहाँ पे दो चीज तो एकदम कंपलसरी आपको चेक करना ही, एक एक्सपेंसेस रेशो और एक एग्जिट लोड, जो कि यहाँ पे आप में देख सकते हो एक्सपेंसेस रेशो है जो कि 0.158%, जो कि मतलब 1% भी नहीं है। सो काफी कम इनका एक्सपेंसेस रेशो है, और जो एग्जिट लोड है जो कि यहाँ पे देख सकते हो 1% है, सो ये भी काफी कम है। सो यहाँ पे हमें काफी अच्छा जो म्यूचुअल फंड है हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे 3 रेटिंग इसको दिया हुआ है। सो सिंपल गाइस इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सो सिंपल वन टाइम के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो मंथली SIP और वन टाइम, सो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो गाइस अगर आपको SIP चालू करना है सो इसका मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में प्रोसेस बता हुआ है। तो गाइस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे 5,000 रुपये लगेगा, और SIP आप 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे 5,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ इस जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। सो गाइस अमाउंट डालने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है इन्वेस्ट पे। सो गाइस यहाँ पे भी आपको मान लीजिए आपकी ग्रो जो ग्रो डीमेट अकाउंट है सो उसमें अगर कोई भी फंड पड़ा है सो उसको अगर आपको यूज करना है जो भी म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए सो उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और उसको अगर आपको यूज नहीं करना है सो उसको आप अनटिक भी कर सकते हो। सो चलिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका UPI ID है सो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी ऐप का आप UPI ID डालोगे, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सो उसी पे आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, सो सिंपल आपको उस पे एक्सेप्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मेरा जो
फोनपे का यूपीआई आईडी जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है सो सिंपल, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पे विया यूपीआई और इसका जो भी रिक्वेस्ट आएगा सो उसको मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सो जैसे आप पे पे क्लिक कर दोगे सो आपके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगा जो कि मुझे फोनपे पे रिक्वेस्ट आ गया है और यहाँ पे इस टाइप से आपको टाइम भी दिखाएगा कि आपको 5 मिनट के अंदर जो भी पेमेंट है उसको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। सो यहाँ पे चलिए जो मेरा रिक्वेस्ट है इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे पेमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑर्डर कंफर्म जो कि हमने कंफर्म कर दिया है और मुझे मैसेज भी आ गया। बाकी चलिए अभी मैं आपको दूसरा जो म्यूचुअल फंड है सो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें आप किस प्रकार से कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊं जितना भी म्यूचुअल फंड है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सेम प्रोसेस है, किसी में भी कोई भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे हमारा जो स्टेटस वगैरह यहाँ पे शो करेगा, आपका ऑर्डर प्लेस तो हो जाता है कंफर्म, बट आपको जब भी जो एनएवी वैल्यू यानी पोर्टफोलियो नंबर दिया जाता है सो आपको 2 से 3 दिन में जो भी पोर्टफोलियो नंबर रहता है उसको आपको मिल जाता है। बाकी चलिए एक और जो म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल करके सो उसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा टाटा डिजिटल करके और यहाँ से आप चाहो तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5,000 रुपये और मिनिमम इनका 5,000 बैलेंस ही है और इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है इन्वेस्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो सब में सेम प्रोसेस है, अभी आपको पे पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे मुझे फिर से एक रिक्वेस्ट आ गया है सो चलिए मैं फिर से एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है देख सकते हो यहाँ पे। सो देख सकते हो ये ऑर्डर भी हमारा कन्फर्म हो गया है। अभी सिंपल आपको माय ऑर्डर में जाके इसका जो भी स्टेटस वगैरह है देख सकते हो यहाँ पे। सो देख सकते हो यहाँ पे दोनों का हमें स्टेटस देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आप इन्वेस्टमेंट में जाके पूरा म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा सो यहाँ पे आपको शो करेगा और यहाँ पे जो ऑर्डर इन प्रोग्रेस में होगा जो कि आपने मतलब आज ही बाय किया है सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। सो आप इसी टाइप से कोई भी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बस गाइस आज की वीडियो यही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए।